प्यारे बच्चों, आज हम आपको निशान हैदर की हिस्ट्री और उस एजाज को हासिल करने वाले कुछ जांबाज सिपाहियों के बारे में बताएंगे। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद पाकिस्तान के एक बहादुर सिपाही थे, जिन्होंने 1965 की पाक भारत जंग में बहादुरी पर फौज का सबसे बड़ा एजाज निशाने हैदर हासिल किया। आप हांगकांग में पैदा हुए। पाकिस्तान बनने से पहले आप पाकिस्तान मुंतकिल हुए और जिले गुजरात के गांव लादी में रिहाइश पजीर हुए। आपने पाकिस्तान आर्मी में शमूलियत अख्तियार की और 1950 में पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए। निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज है, जो कि अब तक पाक फौज के 10 शहदा को मिल चुका है। पाकिस्तान की फजाइया की तारीख और पाकिस्तान की बड़ी फौज के मुताबिक निशान हैदर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर दिया जाता है, क्योंकि इनका लकब हैदर था और इनकी बहादुरी ज़र्बुल मिसल है। ये निशान सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो वतन के लिए इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा करते हुए शहीद हो चुके हों। आज तक पाकिस्तान में सिर्फ 10 अफराद को निशान हैदर दिया गया है। कैप्टन सरवर शहीद 10 नवंबर 1910 को जिला रावलपिंडी में पैदा हुए। 1944 में आर्मी के इंजीनियर कोर में शामिल हुए। 27 जुलाई 1948 का वाकया है, जब उन्होंने ओड़ी सेक्टर में दुश्मन की अहम फौजी पोजीशन पर हमला किया। जब वो दुश्मन से सिर्फ 30 गज के फासले पर पहुंचे, तो दुश्मन ने इन पर भारी मशीन गन, दस्ती बम और मार्टर गनों से फायरिंग शुरू कर दी। उन्होंने एक ऐसी ब्रेन गन का चार्ज लिया जिसका जवान शहीद हो चुका था। चुनाचे अपने जख्मों की परवाह किए बगैर 6 साथियों की मदद से खारदार तारों को उबूर करके दुश्मन के मोर्चे पर आखिरी हमला किया। दुश्मन ने इस अचानक हमले के बाद अपनी तोपों का रुख कैप्टन सरवर की जानिब कर दिया। यूं एक गोली कैप्टन सरवर के सीने में लगी और उन्होंने वहां शहादत पाई। मुजाहिदीन ने जब इन्हें शहीद होते देखा तो उन्होंने दुश्मन पर ऐसा भरपूर हमला किया कि वो मोर्चे छोड़कर भाग गए। राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 पाकिस्तान के शहर कराची में पैदा हुए। 1971 की पाक भारत की जंग में पाक फिजाया में ज़ेर तरबियत पायलट ऑफिसर थे। इस जंग में इनकी बहादुरी की वजह से इन्हें पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर मोहम्मद अकरम 1938 जिला गुजरात के एक गांव डंका में पैदा हुए। वो पाकिस्तान के ऐवान खानदान से ताल्लुक रखते थे। आपको 1971 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ी गई हिले की जंग में बहादुरी के कारनामे दिखाने पर पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद
1914 को पाकिस्तान के सूबे पंजाब होशियारपुर में पैदा हुए। फौजी खिदमात के पेश नज़र इन्हें पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर तुफेल के नाम की मुनासबत से कस्बे के नज़दीक एक गांव का नाम तुफेल शहीद रखा गया। जवान सवार मोहम्मद हुसैन जुनेजो शहीद। 18 जून 1949 को जिला रावलपिंडी के एक गांव ढोक पीर बख्श में पैदा हुए। उन्होंने 3 सितंबर 1966 को महज 17 साल की कम उम्री में पाक फौज में बतौर ड्राइवर शमूलियत अख्तियार की और ड्राइवर होने के बावजूद अमली जंग में भरपूर हिस्सा लिया। उन्होंने पाक भारत जंग में हिस्सा लिया और 10 दिसंबर 1971 भारतीय फौज की मशीन गन से निकली गोलियां इनके सीने पर लगी और वो वहीं खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी इसी बहादुरी के एतराफ में पाक फौज ने इन्हें आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा। लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद। जिला रावलपिंडी में 25 अक्टूबर 1944 को पैदा हुए और उन्होंने 25 अक्टूबर 1962 को पाक फौज में शमूलियत अख्तियार की। उन्होंने पाक भारत जंग में हिस्सा लिया और बड़ी शुजाहत और दिलेरी से दुश्मन का मुकाबला किया। इनकी इसी बहादुरी के एतराफ में पाक फौज ने इन्हें आला तरीन फौजी एजाज शान हैदर से नवाजा। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। 1970 को पाकिस्तान के सूबे सरहद में पैदा हुए। उन्होंने 1999 में भारत के खिलाफ कारगिल के मार्के में अपनी जान का नजराना पेश करके पाक फौज का आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर हासिल किया। हवलदार लालक जान शहीद। 1967 में पाकिस्तान के सूबे गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने 15 सितंबर 1999 में भारत के खिलाफ कारगिल के मार्के में अपनी जान का नजराना पेश करके पाक फौज का आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर हासिल किया। मेजर मोहम्मद शरीफ शहीद। 28 अप्रैल 1943 को पंजाब में पैदा हुए। उन्होंने लाहौर के सेंट एंथनी स्कूल से ओ लेवल का इम्तिहान पास किया। इसके बाद वह गौर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ रहे थे जब इन्हें पाकिस्तान फौजी दर्जगाह कागोल से आर्मी में शमूलियत का इजाजत नामा मिला। 3 दिसंबर 1971 को वो सलमान की हेड वर्कर्स पर पाकिस्तानी फौज के लिए इनकी बेलोस खिदमात के एतराफ में इन्हें पाकिस्तान के आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया।